सत श्री अकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। अज एक अजिहे मेहमान जोड़े नाल तुहाडे मुलाकात करवाउण लग्गे हां जिन्हां दी केस हिस्टरी जाण के तुहानू एक बहुत वड्डा उत्साह मिलण वाला है। उत्साह इहो जिहा कि डॉक्टरां दे चक्करां दे विच पैण तो पहलां आ जरूर कर लईए, क्योंकि इस जोड़े ने एक अजिहा काम करके दस्सिया जिहड़ा कि असी अक्सर कहने भी अपने डॉक्टर आप बनो। आओ जानते हैं। सत श्री अकाल जी, की नाम है जी थोड़ा? मुनीश जी। सत श्री अकाल। भैन जी थोड़ा की नाम है जी? मधु बंसल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मधु मैडम तो मुनीश जी, थोड़ा स्वागत है न्यूज़ एशिया पंजाबी ते। ते थोड़ा जा अपनी इंट्रोडक्शन दे दोगे दोनों जने? मेरा नाम मुनीश बंसल, मैं एक बिजनेसमैन है, मेरा अपना शोरूम है, तो मैं एक मतलब कि डिवोशनल सिंगर है, भजन गायक अपना, वह भी मेरे नाल नाल चलता है। तो हूँ मैं इधर अपना एज ए रविंदर जी तो एज ए हेल्थ कोच कोचिंग ले रहा उन्होंने तो। मैं जी रिहायश मेरी अमलोह है, आप डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब। तो 25 साल हो गए मेरी मैरिज नूं, तो 2 बेटे हैं, दोनों बेटे कैनेडा सैटल हैं। पढ़े लिखे हो जी? मैं ग्रेजुएट की है बी एच। तो भैन जी तुसीं अपने बारे दसो। मैं मधु बंसल, हाउस वाइफ और बी ए ग्रेजुएशन। तो अच्छा तुसीं ये दसो कि बंसल साहब कि रविंदर सेन दे नाल तुसीं जुड़े, तो रविंदर सेन दे नाल जुड़न तो पहला काफ़ी सारा ये दिमाग आता हों कि सेहत को कोई समस्या आई होनी तो ही जुड़े होने, बट तुसी जो मैं पता लगे भी तुसी हेल्थ कोचिंग जी कोच ट्रेनिंग लै रहे हो, कोच ट्रेनिंग लैन तो पहला तो अपनी शरीरिक समस्यावं होनिया तो ही तुसी सोचा होना भी मैं अगे बढ़ा हूँ। जी बिल्कुल, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही सी, बीपी हाई होन लग गया काफ़ी देर तो, वो बीपी भी सैट करना सी, और टैबलेट डेली बढ़ती जा रही थी उसकी, कुछ मैं स्किन एलर्जी सी क्योंकि मेरा काम कुछ इस तरह का है टाइल्स का, तो भी हो गई प्रॉब्लम, तो कुछ बाहर का खाना पीना सिंगिंग करके स्किन एलर्जी भी काफ़ी रहने लग गई सी 8-10 साल तो, कुछ फिर पेट की एसिडिटी, खाना पीना इस तरह का होना और हैडेक रहना बहुत ज़्यादा, तो उस भी डेली मेडिसिन रहनिया, तो फिर इस मेरी वाइफ इन्हों भी प्रॉब्लम्स है 2-3, तो फिर ये सोचा भी ये कि देर चलेगा ये भी थोड़ा जहा इसनों चेंज किया जाए। खुद अपने वीडियोज़ देखते सके डेली इन यूट्यूब तो होर लोगों भरिया हुई ने वीडियोज़ भी असं ठीक हो गए इस तरह ठीक हो गए, फिर सोचा भी चलो आप भी इस तरह का कुछ ट्राई करके देखिए, तो फिर मैनू मेरे फ्रेंड ने रविंदर सैन जी बारे दसिया भी इस तरह करके वह कोच करते हैं, तो फिर उन्होंने मेरी इस टॉपिक पर गल हुई। नहीं पर जो तुहानू जिहड़ियां समस्यावां आई सी स्किन एलर्जी या जो भी तुसीं शरीरिक समस्यावां दस रहे हो उहदे लई तुसीं कोई ट्रीटमेंट्स ले जां कुछ किन्ने साल तो या किन्नी देर तो चल रहा सी, की समस्यावां आउंदियां सी, तुसीं उहदे ते बिजनेस ते की असर पै रहा सी, परिवार ते की असर पै रहा सी उहदे नाल? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समस्यावां तां बहुत ज़्यादा हो रही सी क्योंकि कम च दिल नहीं लगता सीगा, और किसी भी आना जाना उस च प्रॉब्लम हुंदी सीगी क्योंकि हैडेक बहुत ज़्यादा हुंदा सीगा, सुबह उठदे ही हैडेक और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, और बीपी जो बीपी हाई हुंदा सी तां इस तरह की प्रॉब्लम हुंदी सी, मैं अखां तो व्यू घट जांदा सी थोड़ा दिखना, तो रड़क पैनी, हाँ ब्लर हो जानी अखां उस तरह दियां, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई सीगियां, तो उस नाल फैमिली तो डिस्टर्ब होनी होया, इन्हां नूं भी टेंशन होने लग गई भी तुसीं बीपी वधाउण लग गए इन्ना, भी ये की कारण है इसका, टैबलेट्स भी बहुत लईया, मेडिसिनस भी लईया, बहुत टेस्ट होने हर साल बाद, फिर इंश्योरेंसिस होने लग गई भी कोई दिक्कत ना आए, काफ़ी कुछ इस तरह का चल रहा सीगा, भी फिर बस यही सोचा भी नहीं हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पैना, इसलिए अपने आप नूं इसलिए सैट करने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पैना इस चीज़ लिए। जी रविंदर सेन जी नाल किवें फिर मुलाकात हुई, वीडियो देखी कोई? जी मैंने मेरे फ्रेंड ने, मैं तुम्हें दस मेरे फ्रेंड ने मैनू उन्हां बारे दस्या, तो उन्होंने सब तो पहला मैनू तुहाडी ते रविंदर सेन जी की जो सिरके वाली वीडियो है ना एप्पल साइडर विनेगर, हाँ जी हाँ भी हाँ 3 महीने पहला दिया, वो मैंने उन्होंने वीडियो भेजी, वो वीडियो देख के मैंने काफ़ी लग्या भी हाँ मैं कुछ इस काफ़ी कुछ उन्होंने दस्या पाया सीगा भी इस तरह करके तुसीं एवें चेंज कर सकते हो अपने आप नूं, अपने आप नूं आप अपने मतलब कि भी ठीक कर सकते हो इस तरह, तो कुदरती मेरा गुड लक
ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੇ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਵੀ 55 ਨੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 74 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਟੈਬਲੇਟ 100 mg ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਇਆ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੁਛ ਟੈਬਲੇਟ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਛ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 40+ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਸ ਕੰਮ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਡਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਕ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਕ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 5-6 ਕਿਲੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 4-5 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਐਂਟਾਸਿਡ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੀ ਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਮਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀ ਪੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ
आईज दे विच कोई इस तरह दा होया महसूस अपने आप नूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ अपने आप ठीक हो गया हफ्ते दे विच। वो दिन तो अज का दिन अप्रोक्सीमेटली 8 तरीक में मैंने उन्हों तो कोचिंग शुरू की थी। अज हाँ जी 2 महीने पहला, 2 महीने पहला, और अज 9 तारीक है। और मैनू ये तुम मन के 2 महीने के मैंने कोई टैबलेट नहीं ली अपनी, ना बीपी की, ना कोई अपना, ना पेन किलर, ना एंटासिड, ना सैट्रीजन, जी कि मैं डेली लेंदा सी, जिस तो बिना मैं रह नहीं सकता सी। पता है ना पईयां कित्थे ने घर च? नहीं, मैं ना यही कह के हटिया इन्हों, मैं क्या डब्बा तो बेकार हो गया, हूँ इन्हों सिट दो, मैनू लगता नहीं, मैनू कदे छोटे तो बड़ा हो गया सी काफ़ी, तो मैं हूँ इन्हें सिट दो, हूँ कदे भी लोड़ नहीं पेगी इसकी। तो असी कई चीज़ा ऐसा ने जिमें हूँ इन्हों का बीपी है ना, बीपी 90-60 रहा, गिरे गिरे रहना, तो असी भुले गए बीपी चैक करना। ये मैनू परसों साड़ी गल हुई इस टॉपिक पर भी बीपी बारे आप सोचे ही नहीं, क्योंकि बीपी तो उदो सोच जो अपन कोई प्रॉब्लम होंगी आप फिर चैक करते हैं है ना, वो असी चैक करना ही भुल गए। चलो तो की खाते सी मतलब जिद चीज़ समस्या अपन ठीक हुई उन्होंने भी पूछते हैं जी। खा पी असल से ना जो आप मैं इस चीज़ तो जो सीखा मैंने इस चीज़ तो जो मैं समझ आया खान पीन से कंबीनेशन अपने बहुत गलत हुए पे। असी अप साढ़े बनिया परिवार से सोच रहे भी रात को असी दाल फुलका खा लिया, वो हल्का है लाइट है, लेकिन उन्होंने दसिया भी ये दोनों चीज़ों का कंबीनेशन गलत है। बिल्कुल प्रोटीन से काब्स का गलत है। ये इस तरह के कुछ कंसैप्ट उन्होंने काफ़ी हद तक दूर किए। कुछ बाहर का खाना बिल्कुल टोटली असी बंद करता, चाहे इन एनी कंडीशन, चाहे रिश्तेदार दे गए और चाहे नाराज़ हो जाए, ठीक है नहीं, उन्होंने असी साफ कहता भी असी ये नहीं खाना है, ठीक है नहीं, बाहर का खाना असी टोटली टोटली अवॉइड किया। तो सैलड्स वगैरह लते, सैलड्स लते तो घर ही जो बनाया, मतलब कि भी जिम उन्होंने इंस्ट्रक्शन के हिसाब न भी तुम इस तरह इन्ना किसान कुक करना है, जो सब्जियां ने जो सैलड्स ने उसी हिसाब न उसनों तैयार करके उसी हिसाब न असी खाया। एक शब्द यूज़ करते होंगे ने भी तुम रिलीजियसली फॉलो करना है, मतलब कि भी मैं इस शब्द पहला नहीं कदे सुनिया सीगा, मैं तो अपने जो अपना रिलीजन नू अपने भजना च या अपने सिस्टम च ही समझदा सीगा, लेकिन इसनू मैं वो शब्द उन्होंने मैनू इन्ना मोटिवेट किया, मैं अपना धर्म समझ के इसनू मतलब कि भी फॉलो किया पूरा। तो मैं बिल्कुल अज मतलब कि भी आप थोड़े सामने है हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, और इन्हों भी नाल शुरू करता नाल नाल थोड़ा थोड़ा भी इन्होंने वीडियोज़ देख के, तो ये भी हैरानगी वाली गल सी भी वो भी थायरॉयड भी इन्हों का ठीक हो गया, बीपी भी ठीक हो गया। थायरॉयड वाली वीडियो देख के इन्हों करे जो ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है उसे चल रहा है? नहीं नहीं, पहला थायरॉयड वाली वीडियो देख के मेरा जो मैनू सिखाने वाला पार्ट से थायरॉयड का वो थोड़ा बाद शुरू होया सीगा इन्हों उस तो, मतलब कि मिल गया भी थायरॉयड भी ठीक हो सकता है, इस करके मतलब असं उधर थोड़ा होर चल पे असी वीडियोज़ वगैरह देखियाँ तो उन्होंने थोड़ा फॉलो करना शुरू करता। तो की बंद की किया शुरू की किया मसले सब तो पहला तो असी बेक्ड चीज़ा जिन्हियाँ बेकरी हैं जो मतलब कि भी रविंदर सैन जी का इको पहला उन्होंने भी जो बेकरी शॉप है तुम उसे एंटर नहीं करना अंदर, जो भी है उस कुछ भी नहीं है, थोड़ू हर एक चीज़ पैकड जो है वो थोड़े लिए जहर है, उसनों आप ने नहीं यूज़ करना, उस जो प्रजरवेटिव पाए हुए ने जो उस शुगर यूज़ की हुई है आर्टिफिशियल सारा कुछ उस हो गया वो तुम किसी भी कीमत से नहीं, और बाहर का जो तलिया होया है जो जिसनों आप रेंसिन ऑयल कहने है ना भी वो चीज़ किसी भी कीमत तुसी उसनों यूज़ नहीं करना है, उसनों तुसी छड़ना है। थोड़ा मन हुंदा सी मैं उन्होंने थोड़ा बहुत किया, फिर उन्होंने कहने कोई गल नहीं, हाले जिस चीज़ नू आपां ठीक करना है, जिस आपां अपना जो बॉडी आपां नू दे रही है प्रॉब्लम दे रही है, जो 45 साल तो आपां उस नाल कर रहे सीगे, जो 45 साल तो आपां उस नू बिगाड़ रहे सीगे, भी आपां नू मिनीमम 2 to 3 months आपां नू उसनू सही होने लिए देना पएगा। थोनू हुण लग रहा होएगा कहिंदे भी तुसीं कुछ ठीक हो गए, ठीक नहीं, हले नहीं, हले इसनू पूरी तरह रिकवर होन दो, उस तो बाद जो मन खान नू कुछ चीज़ कर दी है उसका इलाज भी आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर उन्होंने मैंने हफ्ते से एक दिन लिए मना किया, हले तुसीं 3 महीने इस चीज़ नू बिल्कुल फॉलो करो रिलीजियसली, तो फिर उस तो बाद वो भी कहने उसकी भी ट्रेनिंग देवे भी की खा सकते हो तुसी अगर तुसी बाहर जाने हो की जा के में जाने हो, थोड़ी वीडियोज़ से भी उन्होंने मैनू उन्होंने कहा हाले दस्या नहीं, लेकिन थोड़ी वीडियोज़ तो मैं समझ गया भी वो की कहेंगे मैनू। जी तुसी अपने आप नू ठीक जदों कीता कोच ट्रेनिंग शुरू हो चुकी सी जदों इन्हां दी तुसी अगे हैल्थ ट्रेनिंग शुरू करती हैल्थ कोचिंग शुरू करती या फिर उस तो पहले ही इन्हां दा भी शुरू करता? नहीं, कुछ चीज़ां शुरू हो गई सीगियां,
जिस तरह हुण मेरे लिए जो बन रहा सी खाण पीण लई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे लिए बन रहा सीगा वो इन्हां ने, क्योंकि असी असी काफ़ी देर तो ना 10-12 साल तो असी हैल्थ कॉन्शियस थोड़ा हो रहे सीगे, 2-3 डाइटिशियन तो अलग अलग असी डाइट कोर्सेज भी लते भी किसी तरह ठीक होइए, लेकिन कोई ज़्यादा उस नाल फर्क नहीं पिया है। तो असी जिवें कुछ भी असी टीवी देखते हैं या किसी नूं यूट्यूब देखते हैं, असी यह नहीं सोचते भी ये गलत है, नहीं कुछ तो होएगा ही सही जो अगला बैठा है ना, तो असी उस नूं फिर थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस करके सानूं आदत तो सीगी इधर नूं चलन की, लेकिन सही रस्ता नहीं सीगा, ठीक है ना। तो फिर असी थोड़ा थोड़ा इन्होंने वीडियोज़ देख के, तो उन्हां दी जो मैनूं चीज़ आती सी मैं इन्हों नाल दिखांदा सीगा भी मैनूं हुण इस तरह करके ये मैं सीख रहे हैं, तो उस वो चीज़ देख के असी शुरू करता सीगा नाल नाल इन्हां दा कोचिंग तो पहले ही। हाँ जी, बचपन तो लैके जदों तो आपां पैदा होए हाँ तो हुण तक दो चीज़ां दिमाग च बड़ी बुरी तरह बड़ी आउंदियां ने, एक रोटी तो एक चाह, किवें छड्डी फिर? एक्चुअली मैं 100% हले भी नहीं छड़ सकी, मतलब हाँ जी मतलब कि शाम नू मैं कदे कदे चाह लै लैनी है, मतलब मेरी जस्ट टाइम इन्हां ने मैनू कह रहे तू स्टार्ट कर, मेरी एक ही सी, मैं क्या मेरी कोई चाह और रस चढ़ा दे भी मैं तुहानू तां मन्नूंगी तुसीं मैनू कोच कर रहे हो। बट मतलब कि थोड़े दिन से मैं चाह नहीं बनाई, अपनी ग्रीन टी मैनू पिलांदे रहे जो भी कुछ सीगा, तो उन्हें चलो आप ही हौली हौली कुछ थोड़ा सामने रिजल्ट भी आने लग गए, उन जब अपन रिजल्ट मिलने लग जाता ना बंदा मन पॉजिटिव हो जाता है, बंदे समझ आते भी चीज़ अपने लिए गलत है अपन ना लो इसनों, तो मतलब इदा हौली हौली छुट गई। मतलब कि जेडे हूँ अज भी कहें चाह नहीं छड़ सकते, मैं जो मैं छड़ सकती हूँ तो तुम भी छड़ सकते, मतलब कि मेरी जित सी, मेरी चाह कोई नहीं चढ़ा सकता, पर इन्होंने मॉर्निंग वाली तो चढ़ाई दी। कार्बोहाइड्रेट्स बंद किए उसकी जगह फिर थोड़ा लगे नहीं भी रोटी तो मैं खानी नहीं, फिर मैं की खाव? नहीं ओदे विच कवर ऐसा हो जाता, इन्ना टेस्टी बनता वो सब कुछ, तो रोटी वाल ध्यान ही मतलब घट जाता है, जब आप पेट भर के पहले ही खा रहे हूँ प्रोग्राम तो जाते हैं, तो एक दो बार जैसे खा के नहीं उत्थे कई बार रोटी खानी पै जाती भुख करके, फिर हूँ पहले ही इन्होंने बाउल फड़ा देता भी खाओ, ये कहेंगे नहीं भुख खा के भेज दें, तो उत्थे जाके फिर उन्होंने इच्छा ही नहीं रहती, इस चक्कर च आप भी कोशिश होंगे भी वही खाओ, क्योंकि घर च बच्चे है नहीं, बच्चे फास्ट फूड लेके आता देख के दिल करे खाने, वो घर च फालतू समान आना ही, बेकरी प्रोडक्ट्स वैसे ही मैंने शौक नहीं सी, यही लेके आते सी, हुण जद ये लेके नहीं आते तो खाई दा ही नहीं है, रास्ता छूट ही गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो तो ये रोटी तुसी बंद की थी, जिहड़ा बाउल सीगा उहदे च की पा के खांदे सी? काफ़ी चीज़ा आ जांदियां, मतलब बाउल विच सारे प्रोटीन पर आइटम, मतलब सैलड टाइप समान सारा कुछ मिक्स, मतलब ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਟ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਟੈਬਲੇਟ 75 mg ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਿਆਏ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿਰਫ 2 tablets ਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 0- ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ -0.09 ਕੁਛ ਐਸਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਰਿਹਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ 5 kg ਵੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। 5 kg ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 4 kg ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 4 kg ਵੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ mg ਵਧਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਬੈਕ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ BP ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ BP ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ BP ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੀ ਪੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥਾਇਰਾਇਡ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸੈਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 5-5.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਠਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਕਾਪੀ 'ਚ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਕੋਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਮਨ ਹੋ ਗਈ ਆਈਟਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ 10-20% ਤੱਕ ਤਾਂ
कर सकता है उसनों, लेकिन ये नहीं है भी वो चीज़ ओके होगी उसनों तुसी अगे चेंज ही नहीं कर सकते है इस तरह की प्रॉब्लम्स नूं। इस करके मैनू ये सब तो बड़ा कारण दिखाया जिहड़ी कि अवेयरनैस नहीं है, आप उस चीज़ों मन लिया भी ये ऐं होणगियां ऐं रहणगियां, मेरे पापा नूं भी सी, मेरे मम्मा नूं भी सी, मेरे दादे नूं जी नूं भी सी, मेरे नाना जी नूं भी सी, ये चीज़ां करके ही सारिया प्रॉब्लम्स ज़्यादा वधिया भी ने। अगर आप इस चीज़ तो बाहर निकल के अवेयर होवांगे भी आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, सब तो पहला ये चीज़ अपने आप से कॉन्फिडेंस बनाना पेगा, अपने आप से यह बिलीव करना पेगा भी ये प्रॉब्लम्स मैं ठीक कर सकता है, हर अपने घर के खाने नाल ही ठीक कर सकता है, ये प्रॉब्लम बाहर कितों ठीक नहीं होनी है, अपने अंदर की प्रॉब्लम है, ये अपने अंदरों ही ठीक होनी है, हरे अपने आप ही आप इस चीज़ को आप ही इनवाइट किया अपनी बॉडी च, ये आप ही ठीक करना है, होर किसी ने ठीक नहीं करना इसको। ये चीज़ मैनू मेन इस पूरी स्टडी तो हले मेरी स्टडी चल रही है, मतलब कि भी जो मैनू हले तक जो मैनू इस चीज़ तो सीखने को मिले है। और जी कोच ट्रेनिंग तुम ली है वो फिर इन्हों भी देनी है कि ये थोड़े तो ही सीखी आ रहे हैं जी, ये भी ले रहे हैं, उन्होंने तो नहीं ले रहे हले, असल च मैं ना एक इस प्रोग्राम के एक छोटी जी मैनू वो लगी भी जो होर इस चीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं, वो ये है जिस तरह रविंदर जी अपनी कोई ना रैसीपी समझाते हैं थोनों है ना उस वीडियो भी इस तरह करके इस तरह बना लो, अगर उसको आप थोड़ा जहा अच्छे तरीके बना दीए असी, मैं इन्हों इस चीज़ लिए गाइड कर रहे हैं भी तुसी रैसीपी कोच बनो, हेल्थ रैसीपीज़ का कोच बनो तुसी, भी तुसी जिस तरह मैं आने वाले इन फ्यूचर आप किसी नूं आप प्रोग्राम देने डाइट अपना हेल्दी होने लई सही होने लई, तां उसनू जो जो खाना चाहिए किमें वो किमें बनाना है, वह मैं खाना दसदा भी ये चीज़ खानी है, उसनू किमें अच्छे तरीके नाल बनाना है तां जो वह बोर ना होवे, ठीक है। नहीं अगर हफ्ते के 7 दिन के घट्टो घट 3 तरह के चाह 4 तरह के अच्छे मील लीए, ठीक है। नहीं हर अपना मतलब कि भी बाहर के खाने तो आप छुट भी जाइए तो घर ही इस तरह इन्ना ना अच्छा खा सकी आप, तो इसलिए मैं इन्हों उस चीज़ लिए तैयार कर रहे हैं भी तुसी मैं अपना ही नाम दिता है भी हेल्थ रैसिपीज़ का कोच बनो तुसी मेरे नाल। गुड, वेरी गुड। तो हुण तुसी दोनों जने ठीक हो चुके हो, तुसी दोनों जने तुसी हेल्थ कोच ट्रेनिंग भी लै रहे हो तो वो भी बिल्कुल ठीक हो के कोठे से रौला पाने तैयार ने, हमने दसो कि तुसी सामने दर्शक बैठे ने इन्हों की कहोगे? मैं सर मेन सब तो बड़ी गल जो मैनू इस टाइम जो लग रही है कहन वाली गल वो मैं यही कहूँगा भी जिस तरह हूँ मैं इस चीज़ को सीखता जा रहा है, मैं मैनू ना जिस तरह मैं हूँ तुम दसदा एक छोटी एग्जाम्पल दसदा, मैं एक फंक्शन पर गया, मैनू मेरे एक फ्रेंड ने कहा यार एक साइड पर आई यार मैनू ऐ लग रहा है भी तेन कोई प्रॉब्लम हो गई, तू इन्ना वीक हो गया, वेट घटा लिया एकदम वो लग्या, जबकि उस तो सही 5 मिनट बाद पहला मैं उसनू उसका वेट देख के उसका पेट देख के इन्ना वेट मतलब कि वो देख के मैं सोच रहा सी यार ये किधर नू जा रहा है, मैनू वह बीमार लग रहा है, उनू मैं बीमार लग रहा है, ठीक है। नहीं ना मोटे मोटे देखने की आदत पैगी पंजाबियों जी 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 ता करके पतला दिखता वो लगता है बीमार है, बिल्कुल बिल्कुल। अपना सारे तो बड़ा कारण अज मतलब कि भी ना आप वापस नहीं आ पा रहे, अपना वेट नहीं घटा पा रहे, यह भी है कारण। हूँ लोग गल पे खड़े ने भी हूँ बस कर हूँ होर एदू ज़्यादा पतला हो गया कितने जाएगा खंभा लगन लग जाएगा जिम्मे खंभे के कपड़े टंगे होंगे, बिल्कुल सर मेरे नाल भी यही चीज़ हो रही है, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे फैमिली मेरे सिस्टर भी इस तो घट नहीं घटाना, मैं क्या मैं कुछ ऐसा किता ही नहीं, मैं कुछ नहीं ऐसा खाया कोई शेक कोई कोई ऐसा कोई कोई मेडिसिन नहीं लेती जिसना मेरा वेट घटे, ये नॉर्मली ही हो रहा है सारा। मैंने कहते खाना शुरू कर जो पहला खा रहे थे भी दस मैं पागल हाँ बिल्कुल 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 ये कुदरती यही चीज़ा ने। मेरे फ्रेंड है जो मेरे भजन सिंगर मेरे ना गुलशन जी हैं उन्होंने माता जी मैं उन्होंने माता जी की गल दसदा बड़ी हास्य वाली गल है, वह ना वो कहते ने गुल अपने बेटे नू मेरे फ्रेंड गुलशन नू भी तू पतला नहीं होना, वो कहते मैनू तो मोटा ताजा चंगा लगता है मोटा देखने जात पैगी ना बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ा यही कारण बन रही ने, सिर्फ मोटापा ही नहीं आप बिना मतलब की स्वैलिंग लिए फिरते हैं चेहरे से आप रौनक लग रही है उस अपना बीमारियाँ किनिया पाल रहे हैं कि उसनों आप इनकरेज कर रहे हैं आने वाली सारिया बीमारियों, तो मेन तो बस यही चीज़ मैं सबनों यही चीज़ कहना चाहना भी तुम विश्वास बनाओ इस चीज़ से वैसे ठीक हो सकते हैं। और हेल्थ के इशूज आ फिर तो देखो सिर्फ और सिर्फ आप अपना खाना सैट करके आप अपनी रसोई तो ही
रविंदर सैन जी हमेशा ही सिखाते हैं भी आपने अपनी रसोई तो ही अपने आप को ठीक करना है। अगर थोड़ी रसोई सही होगी, अगर थोड़ा खाना पीना सही हो गया, तो कोई इशू रह ही नहीं सकता। ये चीज़ का एक्सपीरियंस असं कर चुके। तुसी की कहोगे जी सामने कोठे से नहीं पाना हो सामने इतने पाओ? मेरी तो मतलब यही है भी जिस तरह मैं ठीक हुई है, सबन ये सोचना भी सब ठीक हो, भी सारे इस वाल आन, और इस कोई मेडिसन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप खाने पीने तो सही हो सकते हैं, तो आपको इस रस्ते से चलना चाहिए। मतलब मैं एक एग्जाम्पल थोड़े सामने है ही, जो मैं ठीक है, जेडे मेरे आस पास के नियर डियर वह भी देखते हैं, उन्होंने भी पता है मैं कोई मेडिसन नहीं लीती, तो मतलब आप आने वाली होर प्रॉब्लम से बच सकती हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी नंबर जिहड़ा मैं थोड़ा उहदे फ्लैश कर दाँगा अपना नीचे, ताकि जिहड़े लोग तुहानू संपर्क करना चाहते हो सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो एक चीज़ सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू। एक चीज़ मैं होर कहना चाहना, मैं ना परसों मेरी रविंदर जी नाल गल हुई, क्योंकि मैं हूँ जिस सिस्टम से जा रहे हैं सोच रहे हैं, उससे मैं ये लग रहा है भी इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आले दुआले वधिया हुई ने, असी इकल्ले इस नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भी मैं ये चाहना भी मेरे शहर थोड़ा सेंटर बने, ठीक है। नहीं, वो उन्होंने मैंने कहा, कहें मनीष जी ये चीज़ मैं यही चीज़ सोच के मैंने हेल्थ कोचिंग शुरू की है, यही चीज़ सोच के मैंने थोनू कोच करना शुरू किया है, ता जो तुसी अपने नाल मेरे नाल मिल के आप एक टीम बना सकी, ताजो आपां इस प्रॉब्लम नू, क्योंकि एक एक इंसान वो कल्ले नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, मैं कल्ला कुछ नहीं कर सकता। मैं ये सोच रहा भी मैं इस जो मैं इस मैंने पहला नहीं सोचा सीगा, मैंने सिर्फ ये सोचा सी अपने आप नू सैट कर लूँगा, अपने आप नू फिट कर लूँगा बस, है ना। हुण मैं देख सकदा भी मैनू बाकी सब नू भी अवेयर करना चाहिए इस चीज़ लिए, ठीक है। नहीं, उस लिए एक पूरी टीम चाहिए है, उस लिए टीम लिए मैं अज दे जो अपने जिनी यंग जनरेशन है या जिनी हाउस वाइफ्स ने, जिन्हें भी जो भी अपना सिर्फ 3 महीने का टाइम है इन्हों की ट्रेनिंग का, हर मेरे हिसाब न हर इंसान को यह ट्रेनिंग लेनी चाहिए है रविंदर सैन जी तो, ताजो वह अपने आप में भी ठीक करन, अपने परिवार को अपने आले दुआले ठीक करन, ते अपना वह जग कल्याण लई सारे लोग भलाई लई सबनों यह इस चीज़ लिए अवेयर कर सकन, इसलिए सबनों यह जरूर करना चाहिए कोर्स। यह बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। सो मैनू लगता कि एक बहुत वड्डी उदाहरण तुसी देखी है बांसल साहब, भैन जी तुसी सुनिया भी इन्हों का तजर्बा किदां दा रहा। एक शरीरिक समस्या तो बाद अज यह कोच बन चुके हैं, हेल्थ कोच बन चुके हैं, तो एक रैसिपी कोच बनने की तैयारी दे विच ने। आने वाले समय दे विच तुसी देखोगे कि हो सकता मैं और बांसल साहब दोनों एक कोच के वजो हेल्थ कोच के वजो वीडियो बनाइए, तो तुहाडे सामने असी बीमारियां या जिहड़ी भी समस्यावां ने उन्हां दे हल जिहड़े लैके आईए। तुसी भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस करना सिर्फ इन्ना है कि जो तुहानू इस वीडियो से दस्या गया सिर्फ उसनू फॉलो करना है। तो जे तुहानू लगता है कि तुसी हेल्थ कोच की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो तुसी रविंदर सैन जी नाल सीधा संपर्क कर सकते हो, या फिर तुसी वीडियोज़ देखो तो उहदे चों तजर्बा हासिल करो, ताकि तुहानू वो जिहड़ियां समस्यावां ने तुहाडियां अपनियां तुसी आप हल कर सको, क्योंकि जो भी वीडियो च दस्या गया सिर्फ मुफ्त हैगा, इहदे च कोई पैसा नहीं लग रहा, तुहाडी सिर्फ जानकारी है, तुसी सिर्फ उसनू देखना उसनू फॉलो करना। सिर्फ तुहाडे तों असीं इह चाहवांगे जिहड़े वीडियो देख के ठीक हुंदे ने कि वो एक सिर्फ अपनी वीडियो टेढ़ा फोन करके जिस तरह इस तरह हैगा इस तरह फोन करके तो उसनू वीडियो बना के सानू वो सेंड करन 1-1.5 मिनट की कि साडे नाल आह कुछ होया सी ते असीं इदां तुहाडी वीडियो देख के ठीक होया। असी तुहाडी वो वीडियो जिहड़ी है इस तरह की वीडियो दे विच पावांगे, पब्लिक नूं उदाहरण मिलेगी तो बूस्ट मिलेगा, तो वह भी वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा देख के जिहड़े वो ठीक होणगे। पैसे की इत्थे कोई प्रैशर नहीं पाया जा रहा कि तुसी पैसे की ट्रेनिंग लो या कुछ करो, सिर्फ तुसी करना सिर्फ आही है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी तुहानू पसंद आई होगी, जे पसंद आई है तो इस नूं भी वध तों वध फोन दे अपने फेसबुक ते अपने वट्सएप ग्रुप दे विच जिन्ने भी ग्रुप्स हैगे ने तुहाडे कोल उहनां ते शेयर करो। कोई एक बंदा भी इस तो उदाहरण लैके अपनी सेहत नूं आप ठीक कर लैंदा है, या फिर रविंदर सैन या फिर इन्हां नाल संपर्क करके अपना सेहत की समस्या नूं हल कर लैंदा, तो असीं समझांगे कि इस वीडियो नूं बनाउण दा मकसद भी कामयाब रहा। साडे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी नूं लाइक सबसक्राइब तो फॉलो करना ना भुल्यो। अगली बार फिर हाजिर होवांगे एक नवे मुद्दे एक नवे मेहमान के नाल, उदों तक मैनूं दिओ इजाज़त, धन्यवाद।